नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एसबी वत्स मेरा नाम है। इस सफर की शुरुआत 2002 दिसंबर में हुई थी। एज ए यूजर मैं इस कंपनी में आया था बेसिकली, और जिस टाइम मैं इस कंपनी में आया था उस टाइम मैं सर्विस में था। दिल्ली पुलिस में एक अच्छी ऑनरेबल पोस्ट पे था, क्राइम ब्रांच में मेरी पोस्टिंग थी। मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम रहती थी, काफी डॉक्टर्स को दिखाया, कोई इलाज नहीं मिल रहा था। बहुत सारी दवाइयां उनको देनी होती थी। आप कह सकते हैं कि जिस परिवार का जो मेन पिलर है, अगर वो चारपाई पे होगा तो वो परिवार कैसे चलेगा? मेरे दो बच्चे, मैं, मेरी वाइफ, फादर मदर गांव में रहते थे, ड्यूटी भी जाना होता था, मिसेज को भी संभालना होता था। मेरे एक फ्रेंड जो बाद में मेरे थैंक यू अपलाइन भी रहे, वो आज भी मेरे स्टेल वो अपलाइन है, थैंक यू सो मच। उन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। उन्होंने जब इस प्रोडक्ट के बारे में बताया तो यकीन नहीं था कि ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा। लेने शुरू किए, उनको रिजल्ट आया, देर इज नो डाउट प्रोडक्ट अल्टीमेट है, वो रिजल्ट आएगा ही, आप लें मैं लूं कोई भी ले। काम करने का निश्चय लिया मई 2003 में, मैंने काम करने का निश्चय लिया क्योंकि उस समय बहुत बिजी था। सुबह ड्यूटी जाने का टाइम होता है, पुलिस वालों का आने का टाइम नहीं होता। अक्सर मैं देखता हूं अभी एफएलपी में बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। मैं कहता हूं पुलिस वालों से ज्यादा बिजी कोई नहीं होता, उनका ड्यूटी जाने का टाइम होता है। शाम को जब सब लोग छुट्टी करके ऑफिस के लिए निकलते हैं, ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं, तब वो फिक्स करते हैं कि आज रेड किस पे करनी है, आज किसको उठाना है, किसको ट्रैप करना है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे में भी आप रात को आए, में भी ना आए, तो बहुत बिजी था। तो उसका एक हल था कि मैं अपनी छुट्टी लूं, छुट्टी लेके काम करना शुरू किया। 16 मई 2003 मुझे डेट याद है, मैंने ईएल भरी। मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, क्या करोगे इतनी छुट्टियों का डेट, महीने की छुट्टी आपने अप्लाई कर दी है। मैंने कहा सर मुझे कोई काम करना है। बॉस के साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनअप थी क्योंकि वो मेरी बहुत सारी स्थितियों को जानते थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप छुट्टी ले लो लेकिन टाइम से वापस आ जाना। डेढ़ महीने की छुट्टी लेके मैंने काम करना शुरू किया और डेढ़ महीने की छुट्टी में तो सक्सेस होना नहीं था, और सक्सेस का तरीका आप लोग सभी जानते हैं। बहुत सारे मेरे साथी लीडर्स आप लोगों को, मेरे सीनियर लीडर्स आप लोगों को बता भी रहे कि सक्सेस पे जाने से पहले आपको ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरना होगा। अगर आप ट्रेनिंग से नहीं गुजर पाएंगे तो आपकी सक्सेस अधूरी है और वो टेम्परेरी है। तो ट्रेनिंग लेना शुरू किया, डेढ़ महीने तक लगातार ट्रेनिंग, लगातार ट्रेनिंग। छुट्टियां खत्म हो गई लेकिन कमिटमेंट था कि मैं भी इसमें कामयाब होकर दिखाऊंगा। फिर डेढ़ महीने की ईएल एक्सटेंड करवाई, 3 महीने में भी बात नहीं बनी। एक कसम थी कि वापस ड्यूटी पे उस दिन जाऊंगा जिस दिन मेरा चेक 1 लाख रुपए का होगा। फिर डेढ़ महीने की छुट्टी एक्सटेंड करवाई, 4.5 महीने में मेरी कंप्लीट ईएल ओवर हो गई थी, खत्म हो गई थी। लेकिन मेरा अचीवमेंट अभी नहीं आया था, 1 लाख का चेक मेरा नहीं हुआ था, हालांकि मैं मैनेजर बन गया था। उसके बाद मैंने 2 महीने का मेडिकल दे दिया। मुझे याद है आज भी वो डेट, दिसंबर में मेरा चेक वो हो चुका था जो मुझे चाहिए था। 8 जनवरी को मैंने ड्यूटी अपनी ज्वाइन की और 12 जनवरी का साइंड चेक था, वो 12 जनवरी का डिस्पैच चेक था जो मुझे 15 तारीख को मिला, और वो अमाउंट था 1,03,412 रुपए का। आफ्टर 6 मंथ मैं अपनी अचीवमेंट पे था, जो मैंने कमिटमेंट किया था अपने आप से मैं वहां पे था। उससे अगले महीने मेरा चेक था 1,42,000, उसके बाद 1,72,000, फिर 2,05,000,
कौन कहता है एफएलपी स्लो चलती है, कौन कहता है एफएलपी में देर से पैसा आता है। मेरा मात्र 10 महीने का इनकम 7,40,000 रुपए था, मात्र 10 महीने का इनकम था। ये कार प्लान भी मैंने वहां पे किया, सीनियर मैनेजर भी मैं वहां बन चुका था, और मात्र 10 महीने में मैं शायद, मुझे नहीं पता, बाकी रिकॉर्ड तो कंपनी के पास होंगे, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो 10 महीने में मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई करते हैं। मैंने मात्र 10 महीने में मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई की थी। फ्रॉम दैट डे 2003 से लेके आज तक मैंने कभी अपनी मैनेजर रिट्रीट कभी भी लैप्स नहीं करी, रेगुलर मेरी क्वालिफाई होती रही 2003 से लेके आज तक। उसके बाद 20 महीने बाद प्रॉफिट शेयर क्वालिफाई किया। 3 साल के बाद मैं कंपनी का सोरिंग मैनेजर था, कंपनी के मार्केटिंग प्लान में सोरिंग मैनेजर था मैं 3 साल के बाद। और दोस्तों, कार प्लान 1, कार प्लान 2, कार प्लान 3, अगेन कार प्लान 3, अगेन कार प्लान 3, 5 बार कार प्लान में ले चुका हूं, 5 बार कंपनी की मार्केटिंग प्लान के थ्रू मैं प्रॉफिट शेयर अचीव कर चुका हूं। 2008 ऑनवर्ड रेगुलर में ग्लोबल रैली क्वालिफायर हूं। ये सारे के सारे जो अचीवमेंट मिले, देयर इज नो डाउट, आप लोगों के सहयोग से, मेरे टीम मेंबर्स, मेरे अपलाइन, डाउनलाइन, इवन मेरी ब्रदर लाइन, उन सब लोगों की प्रेरणा से। एक एक वो ट्रेनर जो एफएलपी में ट्रेनिंग्स देता है, चाहे वो बॉम्बे देता है, चाहे दिल्ली देता है, कहीं ना कहीं उनसे हमारे को ट्रेनिंग मिली, नेशनल, इंटरनेशनल, और सबसे बड़े कोच हम सब के मिस्टर अमरजीत उबी सर की ट्रेनिंग को मैंने कभी मिस नहीं किया। यस, इज अ ग्रेट कोच। एक एक शब्द को हम लोगों ने अपनाया, उसको डीपली डाइजेस्ट किया, जो बड़ा मुश्किल होता है सब लोगों से, क्योंकि अगर आपको किसी सिस्टम में सक्सेस होना है तो आपको बदलना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। आप पुराने सिस्टम को नए सिस्टम में ला ही नहीं सकते। मेरे जैसा व्यक्ति जिसका एकदम अलग हटके फील्ड है, आप लोग पुलिस अफसरों को जानते होंगे, मेरे ख्याल से देखते होंगे आए दिन, है ना, हेलो, कभी वास्ता ना पड़े तो अच्छा है। 3 चीजों से भगवान ना मिलाए, एक खाकी वर्दी से, एक काले कोट से, और एक सफेद कोट से, डॉक्टर, वकील और पुलिस वाला, खुशी में कोई नहीं जाता इनके पास। तो मेरे दोस्तों, क्योंकि इनका एटीट्यूड अजीब होता है, मेरा भी एटीट्यूड, क्योंकि मैं भी उस 25 साल तक उस जॉब में रहा हूं, एंटी करप्शन ब्रांच, विजिलेंस, क्राइम ब्रांच, इमिग्रेशन, ट्रैफिक पुलिस, ये सारी मेरी यूनिट रही है जिनके अंदर मैंने ड्यूटी की है। उस जॉब से इधर कन्वर्ट होना एज वेल एज इधर सक्सेस होना बहुत एक लंबी स्टोरी है दोस्तों, और ये एक टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ का, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी में कहीं ना कहीं एक टिश होती है कि मैं एक एक्स्ट्रा इनकम लूं। अपनी इनकम से कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता है, सैलरी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उस सैलरी से आप जस्ट दाल रोटी खा सकते हैं, आजकल तो दाल भी महंगी हो गई है वैसे, लेकिन आप बड़े सपने नहीं देख सकते, आप अपने बच्चों को वो नहीं दे सकते जो जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। तो उसके लिए क्या है, इस महंगाई के जमाने में आइदर या तो आप एक साइड जॉब करो, साइड बिजनेस करो, या फिर कोई दूसरा काम करो। मेरे पास भी ऑप्शन था, एक बेहतरीन ऑप्शन था, जो मेरे बहुत सारे साथी पहले से कर रहे थे, टेबल के नीचे से लेने का। अच्छा है क्या ऑप्शन? लेकिन मैं चूंकि एंटी करप्शन ब्रांच में रहा हूं, मैंने लोगों को जेल में जाते हुए रोते हुए बिलखते हुए देखा है। मैं अपनी जमीर को मार के पैसा नहीं लेना चाहता था, कभी भी रिश्वत नहीं लूंगा मैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे बच्चों को शर्म से उनकी गर्दन झुक जाए, बल्कि मैं ऐसा काम करता हूं, भूखे रहूंगा मैं, दाल रोटी खाऊंगा, चटनी रोटी खाऊंगा, कोई ऐब नहीं है,
बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब मांस मिट्टी दारू कोई है नहीं। एक पुलिस वाला ऐसा देखा कभी आप लोगों ने? नेवर। मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं करता जिससे मेरे बच्चों की गर्दन झुके। मैं रिश्वत नहीं लूंगा। तो मैं क्या करूं एक्स्ट्रा इनकम के लिए? मैंने अपने जॉब के साथ साथ इंश्योरेंस का काम किया। कभी देखा कोई पुलिस वाला इंश्योरेंस करते हुए? बहुत कम। छुट्टी वाले दिन जैसे मेरे को मौका लगता है मैं इंश्योरेंस करने निकल जाता था। दो लोगों की चार लोगों की जो पॉसिबल होती इंश्योरेंस करता। पांच साल तक मैंने किया और पांच साल के बाद मेरी आदत है किसी काम को या तो करो मत और करो तो उसमें पूरा मन लगा के करो और पूरा उसको टाइम दो। पांच साल तक काम करने के बाद मैंने पाया कि इस एक्स्ट्रा इनकम से मेरा काम नहीं चल सकता। मैंने ट्रांसपोर्ट का काम किया। मेरे कजन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे उस टाइम पे। उनके पास भी उनकी खुद की बसें होती थी, रेड लाइन बसें, और रेड लाइन बसों में उस टाइम अच्छी इनकम थी। मेरी भाभी शाम को नोटों का थैला भर के ऐसे छुपा के रखती थी। मैं पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, इसमें क्या गलत है, मुझे भी करना चाहिए। मैंने अपना जीपीएफ निकाला। लोगों में बड़ी अच्छी इमेज थी, बड़े अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कहा आपको पैसा चाहिए तो ले जाओ भैया। उन्होंने खुद ही भिजवा दिया। एक बस ले ली मैंने और उन्होंने एट द सेम टाइम मुझे राय दी, क्या रेड लाइन में रखा है, दिल्ली खेतड़ी का परमिट निकला हुआ, दिल्ली खेतड़ी नेशनल हाईवे पर बस चला ना। अरे ये तो और भी अच्छी बात है। मैंने दिल्ली खेतड़ी का परमिट लिया और बस वहां पे लगा दी। मुश्किल से एक महीना भी नहीं चली थी, वहां के जो एसटीसी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के काउंटर साइन होने थे वो नहीं हुए और वो गाड़ी विड्रा हो गई। कोर्ट केस चला, उससे कोर्ट से हम लोगों ने स्टे लिया, लेकिन मुश्किल से दो तीन महीने बाद बस हमारी वापस हो गई। बहुत बुरी स्थिति थी मेरी। मेरी सैलरी 20-22 हजार रुपये, ड्राइवर की तनख्वाह 15 हजार रुपये, कंडक्टर की तनख्वाह 5 हजार रुपये, ऊपर से क्लीनर, ऊपर से गाड़ी की 17,800 रुपये किस्त। मैं कहाँ से पे करूँगा? बस मेरे घर पे के बाहर खड़ी थी। डग्गे मारी में चलाई, नेपाल बॉर्डर पे जाती थी, हरिद्वार जाती थी, वहाँ पे जम्मू कटरा चलने लगी। एक बार एक ठेकेदार को बस दे रखी थी, उसने नेपाल बॉर्डर पे ले जाके वहाँ पे गाड़ी का इंजन सीज कर दिया। तीन दिन में उस बस को हम क्रेन से ढो के लाए यहाँ पे। 85 हजार रुपये लगा के उस इंजन को उठवाया। कान पकड़ लिया, जिंदगी में दोबारा ये काम नहीं करूँगा। बावजूद इससे यहाँ पे नहीं रुका। सलाहकार बड़े अच्छे रहते हैं, उन्होंने कहा एक बस कभी भी कमा के नहीं देती, दूसरी और ले लो। एबीसीडी भी नहीं आती थी बिजनेस की। और चांस की बात है कि जैसे तैसे करके एक और ले ली। मिसेज की ज्वेलरी भी बेच दी, मिसेज डिप्रेशन में चली गई। अपना ऑफिस खोला, ट्रांसपोर्ट का ऑफिस खोला। मैं, मेरे ब्रदर इन लॉ यहीं पे बैठे हैं वो, और हम दिन रात भागे फिरते थे। पांच साल तक उस काम को भी किया। फिर वहां से थकने के बाद हमने अंडर डीटीसी लगा दी। अंडर डीटीसी लगाने के बाद, चेक आने के बाद हमें जल्दी ये रहती थी कि इसको कैश कैसे कराएं। और चांस की बात तो वही बैंक मैनेजर जो मेरे चेक को उस टाइम पे कैश करते थे यहीं पे बैठे हैं वो बैठे। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने उस टाइम मेरे को बहुत साथ दिया। लेकिन आज मेरा प्रॉमिस है मैं अब आपको साथ दूंगा। दोस्तों, पांच साल बाद गोशवारा निकाला। मेरे सर पे जितने बाल थे उतना मेरे सर पे कर्ज था। सब कुछ बेच दिया। वाइफ की हालत ये थी, बिस्तर से नहीं उठ पाती थी। घर में फोन, लैंडलाइन, जब बेल बजती थी तो हम लोग कांपने लग जाते थे, किसी पैसा मांगने वाले का फोन है। एक मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने कहा कि यहां से आप जगह बदल दो। मेरे पास गवर्नमेंट का रेजिडेंस था, मैं छोड़ के यहां से रोहतक चला गया। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम एफएलपी नहीं कर सकते। रोहतक चला गया, मेरे पास
पैसा मांगने वाले वहीं पे मेरे को सूंघ के, कहां पे छुपा हुआ हूं वहीं पहुंच गए। अक्सर ये सोचने लगा मैं कि इस जिंदगी से नरक भी बेहतर है, क्यों ना मैं सुसाइड कर लूं, क्योंकि इतना पैसा मैं नहीं दे सकता था। 22 लाख कर्ज 2002 में बहुत बड़ा कर्ज होता है, सैलरी मेरी 20-22 हजार रुपए थी, ऐसे बढ़ रहा था हर महीने, उसमें करीब 50-60 हजार रुपए हर महीने इंटरेस्ट के जुड़ जाते थे, हर दो महीने बाद 1 लाख बढ़ जाता था। एक दिन मेरी जिंदगी का बहुत ही टर्निंग पॉइंट आया, मेरे घर में जिस मकान में हम रह रहे थे रोहतक, किराया देना था मुझे, किराया देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने किसी से इंश्योरेंस की प्रीमियम लेना था दिल्ली से, मैंने सोचा कि उससे प्रीमियम के पैसे लूंगा, उसकी 2 दिन बाद किस्त भर दूंगा और मैं यहाँ पे उसका रेंट पे कर दूंगा। मैं घर से निकला तो मेरी जेब में बस में टिकट लेने के लिए पैसे नहीं थे, ट्रेन में जाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अपनी कमजोरी को अपनी वाइफ को भी नहीं बता सकता था क्योंकि वो पहले से डिप्रेस्ड हो चुकी थी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, कोई तीसरा आदमी मुझे नजर नहीं आता था कि जो मेरी मदद कर दे। मेरे फादर से भी मैंने बात की इस बारे में कि मेरे साथ ये स्थिति गुजर रही है, गांव में अच्छी जमीन जायदाद है, अगर आज मैं उसकी पर एकड़ की बात करूं तो 3 करोड़ रुपए पर एकड़ है, अकेला हूं, अच्छी जमीन जायदाद है, लेकिन पापा ने एक बात कह के मेरा मुंह बंद कर दिया, अगर मैं जमीन बेचूंगा तो गांव में बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, दिल्ली आना था, जेब में किराया नहीं था। घर से ड्रेस लगाई, ड्रेस लगा के बाईपास पे आया, ट्रक वाले को हाथ दिया और उसको कहा भैया मेरे को भादरगढ़ जाना, उसने ट्रक में पैसा देने की जरूरत नहीं, पुलिस वालों को कोई पैसा नहीं मांगता, भादरगढ़ आया, वहां से DTC बस पकड़ी, बस अड्डा आया, वहां से पैसा लेके और किराए वाले को पैसा दिया। ये मेरी जिंदगी का आखिरी वो कदम था जहां से मेरे को उठना था। मेरे दोस्त, मेरे हितेशी, मेरे अपलाइन मिस्टर आरबी लाकड़ा, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि उनकी बहन ठीक हुई है इन प्रोडक्ट को लेके, क्यों ना आप भाभी जी को ये प्रोडक्ट दें। मैंने उनसे प्रोडक्ट लेने के लिए 4805 हजार रुपए भी नहीं थे मेरे पास, मैंने कहा देख भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, पैसा आप थोड़ा बाद में दे देना, लेकिन ये प्रोडक्ट अगर आप देंगे तो उनको आराम आएगा। लेकिन सिंपल सी बात है, मेरे में बहुत विचार चले, इतने बढ़िया प्रोडक्ट है तो डॉक्टर क्यों नहीं लिखता, इतने बढ़िया प्रोडक्ट है तो किसी डॉक्टर ने क्यों नहीं बताया, आज तक तो नहीं सुना मैंने, पुलिस वाला एक्स्ट्रा सोचता है 2 कदम। उन्होंने कहा देखिए किसने बताया किसने नहीं बताया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर में रिजल्ट आया है, आप एक बार अगर ये दें अपनी दवाइयों के साथ साथ, उनकी हालत ये थी कि एक टाइम की भी दवाई मेडिसिन उनकी अगर मिस हो जाती थी, पल्पिटेशन बढ़ जाता था, मैं भी एडमिट करना पड़ता था, 12-12 गोलियां रोजाना खाती थी, गोलियों के भरोसे ही नींद आती थी उनको, वैसे नींद नहीं आती थी। मरे मन से लेके गया, पहले महीने उनको प्रोडक्ट दिए, कुछ आराम खास नहीं लगा, मैंने उनको बुलाया यार मेरे को पहले बहुत नुकसान हो रखा है, आप लोगों ने मेरे को क्यों यूज कर लिया। उन्होंने कहा चिंता मत करिए थोड़ा समय लगेगा, आप पेशेंस के साथ लीजिए इनको। दूसरे महीने का भी लिया, तीसरे महीने बाद एक दिन बड़ा गजब का चांस हुआ, उस टाइम इमिग्रेशन में था, मैं रेगुलर टाइम पे फोन करता था, आप अपनी टाइम पे दवाई ले लें क्योंकि मिस नहीं होनी थी वो। मैंने फोन किया कि आपने दवाई ले ली, उसने कही कि मैं दवाई नहीं ले रही और पिछले 7 दिन से नहीं ले रही। और आज के बाद इस जहर को खाऊंगी भी नहीं, मैं नहीं लूंगी ये दवाइयां और मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था कि मेरी जिंदगी का एक कैंसर जो जिंदगी में कभी ठीक नहीं होता वो ठीक हो चुका था विद दीज प्रोडक्ट्स।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने जस्ट FLP आप यहां नहीं लेके आए, आप बहुत सारे लोगों को जिंदगी लेके आए हैं, चाहे वो प्रोडक्ट यूज करें चाहे इस कंपनी में काम करें, बहुत सारे लोगों की जिंदगी लेके आए हैं। उसके बाद मैंने डिसीजन किया कि मैं इस प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करूंगा। मेरे भैया जो उस टाइम में प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा यार ये प्रोडक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैं भी यूज करूंगा। मैंने कहा भैया बहुत महंगे हैं। अच्छा महंगे हैं तो तू ही यूज कर सकता भाई, हम तो कर ही नहीं सकते। अच्छा भैया आप भी ले लो। उन्होंने लिया, वो डायबिटिक थे, अस्थमेटिक थे, लिटिल बिट उनको अस्थमे की शिकायत रहती थी, BP हाई था। रात को हमारी भाभी पैर दबा दबा के सुलाती थी, उनको नींद नहीं आती थी। अब सुबह वो 4 बजे पार्क में दौड़ लगाते थे, वो कहते थे यार पता नहीं कहां से एनर्जी आती है, मेरे को कोई थकान नहीं होती और मैं एकदम हेल्दी महसूस कर रहा हूं। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि ये इतनी अच्छी चीजें हम दूसरे लोगों तक क्यों नहीं भेजते, ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं, किसी को शिकायत नहीं आएगी, लोगों को आराम आएगा, लोग हमें दुआ देंगे। यहां तक कोई बिजनेस वाली बात भी नहीं थी। वो भी मेरे साथ लगे और वो मेरे पहले सीनियर मैनेजर भी बने, बाद में कारप्लेन भी किया उन्होंने, आजकल BG हो रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया उन्होंने, इसलिए वो BG हो रहे हैं, नहीं ध्यान दे पाते। बहुत सारे चैलेंजेस आए क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों यहां पे जो आज आप देख रहे हैं सीन, ये बहुत एडवांस है। यहां तक का सफर जो निकला है, उस टाइम पे जब हम काम करते थे शुरुआत के दिनों में, बाय चांस किसी के एक के पास कोई टेस्टिमोनी मिल जाती, कलर पेपर मिल जाता, लो भैया मलेशिया में इस लेडी के मीजल्स ठीक हो गए, ये एक्ने ठीक हो गया, ये इसके ये प्रॉब्लम ठीक हो गए, तो सारे लीडर उसकी कॉपी करके घुमा लेते थे। और जब हम किसी इंसान के पास जाते थे, किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते थे, तो हम ये कहते थे देखिए ये देखिए मलेशिया में इस लेडी को ये मीजल्स ठीक हो गए, ये देखिए ये सिंगापुर में इस लेडी को ये प्रॉब्लम थी ये ठीक होगी। कई बार तो पकड़े जाते थे, वो पूछ लेते थे यहां क्या हुआ वो बताओ भाई, हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता था क्योंकि इनिशियल स्टेज पे थी कंपनी और यहां पे वो रिजल्ट वो सारी बातें इतनी नहीं थी। आज तो आप लोग तो बहुत स्वर्ण एकदम गोल्डन टाइम पे आए हो। उस टाइम बिजनेस प्लान के लिए भी हम ये दिखाते थे, देखिए 2003 में रोल्फ किप का 5 लाख का प्रॉफिट शेयर चेक आया है, वो कहते थे इंडिया में किसका आया भाई। तो उस टाइम थोड़े चैलेंजेस जाते, उस टाइम ट्रेनिंग लिटरेचर बहुत सारी चीजें इस कदर नहीं थी, आज तो बहुत इंप्रूव हुआ है। हमारे कंट्री मैनेजर साहब, मैं हमेशा सैल्यूट करता हूं उनको सर, एक एक चीज को इतने वो डीपली जाते हैं, आपको कुछ भी दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, जस्ट उनको फॉलो कर लो जो लिटरेचर उन्होंने हमारे लिए तैयार किया है। और एक और आप लोगों को बताता हूं मैं, ये जो लिटरेचर जो आप लोग पढ़ते हैं पूरे दुनिया में किसी कंट्री में नहीं है, पूरी दुनिया में किसी कंट्री में ये लिटरेचर नहीं है जो आप लोगों को मिलता है। ये जो ट्रेनिंग सिस्टम, ये जो ट्रेनर्स को भी हमेशा अपडेट करते रहते हैं, वो हमेशा बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और आज अगर हम लोग सफल हैं ना, तो किसकी वजह से? ऑफ कोर्स इनकी कोचिंग की वजह से, थैंक यू सो मच सर, एज वेल एज हमारे सारे के सारे ट्रेनर, चाहे वो प्रेम राजन सर हो, मेजर भटनागर हो, TPS बेदी, सुनील गुप्ता, अरुण सुराना, मिस्टर आनंद गांधी, ऑफ कोर्स अनुपम थपलियाल, ये जितने भी हमारे ट्रेनर्स हैं, अल्टीमेट है, इंडिया में ट्रेनर नहीं है ऐसे, अल्टीमेट ट्रेनर हैं, ऑलवेज सपोर्टिव, एक से एक ट्रेनिंग को इतने बेहतर तरीके से चार्ट किया गया, इतने बेहतर तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। और यही वजह है जो मैं आज स्टेज पे खड़ा हूं, अगर मैं ट्रेनिंग में नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं होता। यस, मेरी सफलता के पीछे और कोई नहीं है, ऑफ कोर्स टीम तभी बना पाएगा इंसान जब उसको खुद आता होगा, टीम बाद में आती है, पहले खुद इंसान को उसके लेवल पर तैयार होना पड़ता है, और टेबल उस लेवल पर तैयार होने के लिए उसको ट्रेनिंग्स लेनी होती हैं, उस प्रोसेस से गुजरना होता है। बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली, आज भी ट्रेनिंग कभी भी मिस नहीं करते, जो भी लिटरेचर कहीं पर भी मिलता है मैं तो उसको याद नहीं करता, मैं उस लिटरेचर को पढ़ता नहीं हूं, पूरी तरह से डाइजेस्ट करता हूं। मैं अपनी टीम को भी एक ही बात सिखाता हूं, एक ही मेरा फार्मूला, मेरी टीम वाले सब लोग जानते हैं, ए फ्यू बुक्स वेल डाइजेस्टेड एंड स्टडीज
इज बेटर देन थाउजेंड्स बुक्स गार्गल्ड इन द माउथ। एक ही फार्मूला है, हजारों किताब पढ़ने से बेहतर है एक ही किताब को पूरी तरह से अपनी जिंदगी में उतार लो। एक एक पेज आप पढ़ो, ना केवल पढ़ो उसको, अगले दिन फिर वहीं से शुरू करो, अगले दिन फिर वहीं से शुरू करो, और फिर उसको अपनी जिंदगी में अपना लो, तब आप चेंज हो पाओगे। अगर आपने आज पढ़ा और किताब को फेंक दिया तो कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे गेन करना था, सिंपल सी बात है, काम करने का डिसीजन लिया तो तीन ही फार्मूले थे। मुझे गेन करना है नॉलेज तो रेगुलर ट्रेनिंग, मुझे गेन करना है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर मैंने स्पॉन्सर करने हैं, अपॉर्चुनिटी सेल करनी है। अक्सर लोग खाली प्रोडक्ट सेल पर पूरा कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है ये तीनों की तीनों चीजें आपकी बैलेंस चलेंगी। रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर आपका टीचिंग या लर्निंग चलेगा। नंबर दो, आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको ना केवल प्रोडक्ट सेल करना है बल्कि आपको अपॉर्चुनिटी भी सेल करना है। आज भी मेरा एक वसूल है, मेरे टीम में कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी डाउन में हो, मैं परवाह नहीं करता, ये मेरा 12वां डाउनलाइन है, ये मेरा 10वां डाउनलाइन है, मैं जानता ही नहीं 6-3-2 क्या होता है, नहीं जानता। मेरा 15वां डाउनलाइन भी अगर मेरे को ये कहे मेरे को ट्रेनिंग चाहिए तो मैं बोलता हूं कब चाहिए, मैं आ रहा हूं। सिंपल, एक ही फार्मूला है। और मेरी टीम बैठी यहां पर, कोई भी ये कह दे सर मेरे को ट्रेनिंग नहीं दी, कोई भी एक ही तरीका है मेरा। कोई भी व्यक्ति मेरे को फोन करे मुझे FLP करना है, चाहे वो अंडेमान बैठा है, चाहे वो बेंगलोर बैठा है, चाहे वो कलकत्ता बैठा है, श्री भगवान वहां पे खड़ा है। एक वक्त ऐसा था जब मेरे पास बस में देने के लिए किराया नहीं था, उस दिन को याद करता हूं। आज एक सप्ताह में या एक महीने में कम से कम 3-4 बार फ्लाइट की ट्रेवल करता हूं। थैंक यू सर। कम से कम 3-4 बार फ्लाइट की ट्रेवल करता हूं। यह दिन दिया FLP ने, यह दिन दिया मेरे को इस अपॉर्चुनिटी ने। आज इस अपॉर्चुनिटी की वजह से, इस कंपनी की वजह से, मेरी टीम के लोगों की मेहनत की वजह से आज यह अचीवमेंट मुझे मिला है। ऑफ कोर्स इन ट्रेनर्स की वजह से जो सारे के सारे डायमंड मेरे सामने बैठे हैं, A to Z, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो मेरिट के डायमंड बैठे हों, चाहे वो कहीं के भी डायमंड हों, सारे ट्रेनर्स, इन सब लोगों की गाइडलाइंस की वजह से, इन लोगों के सम्मान की वजह से, इन लोगों के प्यार की वजह से, इन लोगों की प्रेरणा की वजह से। पुलिस में जब था मेरे पास एक लम्बरेटा होता था, स्कूटर रिपेयर होना भी बड़ा मुश्किल होता है, लम्बरेटा स्कूटर देखा आप लोगों ने किसी ने? हेलो। और मुझे यकीन था कि आज तक को बदल भी नहीं पाता, क्योंकि रिश्वत में लेता नहीं और एक नंबर से मेरा काम नहीं चलता। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे महंगी कार खरीदी और वो भी कैश खरीदी, OD6, जो हर इंसान का सपना होता है। HDFC बैंक में मेरा अकाउंट है, वो अक्सर मुझे फोन करते रहते हैं, सारे सर आपका ये प्री अप्रूव्ड लोन है 30 लाख का, सर आपका ये प्री अप्रूव्ड लोन है 60 लाख का, सर आपका ये प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड है आपका 10 लाख का, 5 लाख का, ऐसे करते रहते हैं। मैं बोला तुम्हें लोन चाहिए तो बोलो, अपने को नहीं चाहिए, अपने को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आज मेरे पास FD है, आज मेरे पास रेगुलर डिपॉजिट करता हूं मैं, रेगुलर मैं सेविंग करता हूं, एक सिस्टम अपनाता हूं। हर इंसान का एक सपना होता है जो मैं पुलिस से कभी पूरा नहीं कर सकता था कि मेरे बच्चे हाईली क्वालिफाइड हों। आपका भी सपना है क्या? आज मेरी बेटी MD कर रही है RML हॉस्पिटल से, केवल FLP की वजह से, मुझे फक्र है। उनकी फीस देने के लिए या उनको फैसिलिटी देने के लिए मुझे कभी सोचना नहीं पड़ता। अभी उसकी MD पूरी होने वाली है तो वो पूछी पापा अब, मैं बोला अब आगे MCH कर, नौकरी नहीं करनी, पढ़ जहां तक पढ़ना है तेरे को। ये फीलिंग आती है आपकी इस अपॉर्चुनिटी से, ये फीलिंग आती है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम से। क्या मैं पुलिस में होता तो ये मिलता मुझे? क्या मैं ऐसा कर पाता? बहुत सारे बैठे हैं आप लोगों में जो नौकरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बोलिए एक बार दिखाइए तो सही मुझे अपना हाथ।
कब छोड़ रहे हो? प्लीज अपने आप पे विश्वास करो पंकज जी। आजकल मेरी टीम में नौकरी छुड़ाने में मैं माहिर हूं। मेरे पार्श्वनाथ जी सब इंस्पेक्टर से अभी उन्होंने रिजाइन किया है। पार्श्वनाथ जी कहां हैं? ये खड़े अभी सब इंस्पेक्टर से इनको वीआरएस दिलाया। नौकरी छुड़ाने में माहिर हूं भैया, किसी को छोड़नी हो तो मेरे पास आ जाना। और जिंदगी भर अगर गुलामी करने की आदत पड़ गई है तो मैं क्या करूं? मजबूरी है, हमने नौकरी की क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं था। लेकिन इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी पूरी अर्थ पे नहीं है, ये मैं गारंटी से सील लगाता हूं। आप लोग जब कंपनी को जांचते हैं ना, कुछ लोग नए आते हैं ना, तो मुझे कई बार हंसी आती है, सर ये कंपनी कैसी है, सर इसका बिजनेस कैसा है, सर ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, सर ये कंपनी क्या है। मैं इसके बारे में भी बता दूं आप लोगों को। क्राइम ब्रांच में था मैं, स्टाफ ऑफिसर था मिस्टर रंजीत नारायण का, स्पेशल सीपी क्राइम थे वो, स्पेशल सीपी क्राइम थे, बाद में उनकी भी बताऊंगा मैं कहानी। मैंने जब उनको इस कंपनी के बारे में बताया, मेरे प्रोडक्ट यूजर हैं वो, आज भी यूजर हैं, तो उन्होंने कहा है, जिस टाइम पे एक वक्त ऐसा आया था कि जब मैं बहुत ज्यादा पागल हो गया था इस सिस्टम के लिए, तो उन्होंने कहा एक काम कर, क्योंकि मैं क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन में था जहां पे ऐसी कंपनियों के खिलाफ रोजाना केस रजिस्टर करते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन कुतुब होटल में है, कभी जाने का मौका लगे तो वहां पे देखेंगे, मेरा नाम भी वहां पे लिखा होगा। वहां पे मैं ऐसी कंपनियों के, मानसून सेशन में एक विधेयक आया था कि ऐसी कंपनियां जो लोगों का पैसा लेके लूट के भाग जाती हैं, ये सारी की सारी फेक कंपनियां होती है, सारी नेटवर्किंग कंपनियां, उस टाइम पे बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम चला था, इनको सबको बंद किया जाए, इनके खिलाफ सर्विलेंस हो, इनके सारे के सारे ए से लेके जेड टोटल पेपर्स को चेक किया जाए। और 297 कंपनियां उस टाइम बंद हुई थी, 297 कंपनियां बंद हुई थी। आज भी वो फाइल अभी भी चल रही है, बहुत सारी कंपनियां आगे बंद होनी है। इस कंपनी को भी हमने जांचा था एथिक्स, आप तो खाली एथिक्स शब्द को जानते हैं, एथिक्स किस किस लेवल पे होते हैं। आप लोगों को तो सिर्फ इतना बताया जाता है भाई एथिकल कंपनी है, एथिक्स एक तरीके से नहीं होते, उसके हर एंगल से जांचा जाता है, गवर्नमेंट रूल को देखा जाता है, पॉलिसीज को देखा जाता है, इंडस्ट्री को देखा जाता है, उस कंपनी के उसको पॉलिसी को देखा जाता है, उसके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को देखा जाता है, उसके 12 एंगल से हम उसको जांचते हैं, पूरे 12 एंगल से उसकी कंप्लेंट्स को जांचते हैं, इसके कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कितनी है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कंपनियों के नाम थे। एक डिपार्टमेंट आपके देश में ऐसा है जिसके कोई ऑडिट नहीं होता, एक ऑफिस ऐसा है आपके देश में जिसका कोई ऑडिट नहीं होता, जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं होता, कौन सा बताओ? नो, उसका कोई ऑडिट ही नहीं होता, बताइए। नो, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन का कभी कोई ऑडिट नहीं होता, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट है, लेकिन एक कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। शायद ही कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जिसने हमेशा टाइम पे पैसा दे दिया हो, शायद ही। कितना भी ऑथेंटिक डिपार्टमेंट क्यों ना हो, कितना भी सिस्टमेटिकली डिपार्टमेंट क्यों ना हो, लेकिन दो बार तो पैसा लेट होता ही होता है, 31 मार्च को और 31 सितंबर को फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है, 6 मंथली और ईयरली, तो दो बार तो पैसा लेट होता ही होता है। सैलरी क्या कहते पंकज जी? एक कंपनी दुनिया में ऐसी है जिसका पैसा लेट नहीं होता, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। क्या क्या सलूट करें हम सर आपको, और फिर आप इस कंपनी में डाउट करते हो, ये आपके दिमाग की कमजोरी है और कुछ भी नहीं है, आप वहां तक सोच भी नहीं सकते जहां तक एफएलपी है।
एक वक्त ऐसा आया मेरी जिंदगी में जब मेरे को एक डिसीजन लेना था 2007 में कि मैं अब नौकरी करूं या एफएलपी करूं। कारण, टीम काफी बढ़ चुकी थी, उसको सपोर्ट करना था, फाइनेंशियली मैं काफी साउंड था। और थैंक यू सुनील सर, आपने मेरे को गाइड किया कि जिस दिन आपकी सैलरी से 10 गुना ज्यादा आपका चेक बढ़ जाए उस दिन नौकरी छोड़ देना। याद आपको ऐसा बात? मुझे याद है। तो मेरी नौकरी छुड़ाई सुनील सर ने भैया। वो डिसीजन मेरा लेने बहुत मुश्किल था। मेरे परिवार के लोग केवल चार तीन लोग मेरे साथ थे, मेरी वाइफ और दो मेरे बच्चे। वो एक बात जानते थे, मेरे पापा जो करेंगे या मेरे हस्बैंड जो करेंगे वो सही करेंगे, वो गलत नहीं करेंगे। मेरे फादर खुद कह रहे थे अगर नौकरी छोड़ दी तो गांव में तो आना मत, बेइज्जती करवाएगा पूरे समाज में, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरे खुद बॉस जो मुझे अपने बच्चे की तरह आज भी मानते हैं, उन्होंने कहा श्री भगवान एक बात का जवाब दे देना नौकरी छोड़ने से पहले, अगले 15 साल की तेरी नौकरी बाकी है, कितना पैसा तेरे को मिलने वाला है, प्रमोशन तेरे को मिलने वाला है, जून में तेरा प्रमोशन ड्यू है और सितंबर में उसमें नवंबर में तू नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है, ऊपर से पे कमीशन आना है, 2008 जून में पे कमीशन आया था, तू क्या करना चाह रहा है? गुरुद्वारे जाते होंगे, मैंने भगवान को नहीं देखा कभी, आपने देखा है? हेलो, मैंने नहीं देखा भगवान को कभी, मैंने एक भगवान को देखा है, वो है रेक्स। मेरी नजरों में ये इज्जत हूं, जिन्होंने करोड़ों लोगों को हेल्थ और वेल्थ दी है, असली मायने में ये है भगवान, मेरी नजरों में ये भगवान, करोड़ों लोगों को उन्होंने हेल्थ और वेल्थ दी है, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल। अभी कुछ देर पहले पूछ रहे थे सुराना जी आप लोगों में कितने लोग रिच होना चाहते हैं, कितने लोग वेल्दी होना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मैं अक्सर सुनता हूं लोगों से कि सर हम लोग एफएलपी में पैसा कमाने आए, आप भी पैसा कमाने आए होंगे? पैसा कमाने मत आइए, पैसा तो हर जगह मिल जाता है, बहुत जगह मिल जाता है, पैसा तो आजकल क्रिकेट में सट्टा लगा के भी लोग कमा लेते हैं। पूरी जिंदगी चाहिए तो एफएलपी में आ जाइए, पूरी जिंदगी चाहिए तो, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल, अल्टीमेट लाइफस्टाइल, देश विदेश की यात्राएं, बेहतर एजुकेशन, लंबी कार, लंबा बढ़िया मकान, एक बेहतरीन ओनर, रिकग्निशन, रेपुटेशन, लॉट्स ऑफ टाइम, सब कुछ आपको चाहिए तो उसके लिए एफएलपी है। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ए कंप्लीट लाइफ। डिसीजन आपका ही आपकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। आज सब कुछ है केवल एफएलपी की वजह से। आज जो है सेटिस्फाई हूं, लेकिन सचिन तेंदुलकर की एक बात को याद रखता हूं कि मैं सबसे बड़ा आलोचक खुद का खुद हूं। यहां पे रुकना नहीं है मुझे, नहीं रुकना ना, आगे बढ़ना है, स्लो ही सही, धीरे ही सही, लेकिन आगे तो बढ़े, इसे आगे बढ़ना है। आज मैं महसूस करता हूं उस दिन को जब हमारी हैबिटेट सेंटर में हमारी सक्सेस डे हुआ करती थी, और आज इस स्टेडियम को जब हम महसूस कर रहे हैं, इस सफलता को हम लोग सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरी एफएलपी सेलिब्रेट कर रही है। मैं बहुत दूर की सोचता हूं, बहुत विजुलाइज करता हूं हर चीज को, मुझे नहीं पता आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत जल्दी ये क्राउड इंडोर स्टेडियम में दिखाई दे रहा है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये छोटा नहीं पड़ गया हमारे लिए? हम बहुत जल्दी इंडोर स्टेडियम में जाने वाले हैं, ये आज मेरी बात को याद रखिएगा। दोस्तों, आपका फ्यूचर, इस कंपनी का फ्यूचर, मैं तो इतना सा महसूस करता हूं, जस्ट हमारे को बेस बनाने में टाइम लगा है। एक जैसे कि हमारे रेक्स सर ने एक बड़ी गजब की स्टोरी सुनाई थी चाइनीज बम्बों के बारे में, कि पहले साल लगाया कुछ भी महसूस नहीं हुआ, दूसरे साल उसमें पानी देते रहे, वो उसमें चांटिंग करते रहे, कुछ भी महसूस नहीं हुआ, फिर उसके बाद धूप अगरबत्ती करते रहे, फिर भी कुछ चांटिंग नहीं हुआ, उसमें ग्रोथ नहीं हुआ, तीसरा साल, चौथा साल, 5 साल के बाद जब उन्होंने जाके देखा तो एकदम वो 75 फीट ऊंचा था। आज वही एफएलपी हो चुकी है।
बेस बनाने में हमारे को 10 साल लगे, 12 साल लगे, लेकिन आज एफएलपी जब हम महसूस करते हैं कि ऐसी रैली तो हमारे हर स्टेशन पे होने लग गई है, और आज हम सही डाटा तो मेरे को नहीं देना चाहिए और मुझे मालूम भी नहीं है कि कितना, मैं एप्रोक्स आइडिया देता हूं, आप लोग ये बताइए कि आज एफएलपी करीब 400 करोड़ के टर्नओवर के आसपास है। हम मुश्किल से कितनी परसेंट पॉपुलेशन के पास पहुंचे हैं? 2%? 2% भी टच नहीं किया हम लोगों ने भैया। 1.25 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे देश की, 1.25 बिलियन। एक मिनट में 50 लोग, एक घंटे में बच्चे, एक घंटे में 3000 बच्चे, आज ही मैंने डाटा निकाला है, एक घंटे में 3000 नए बच्चे आ जाते हैं। और कई बार मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर देखता हूं, वो ये कहते हैं सर उसको उसने ज्वाइन करा लिया, सर उसको उसने ज्वाइन करा लिया। मैं कहता हूं रे इतनी देर में तो और आ चुके हैं 10, क्यों टेंशन ले रहा है? पॉपुलेशन में तो महार हैं हम लोग, क्या है टेंशन ले रहे? ज्वाइन करा लिया, करना आने देना, तू दूसरा देख ले। और 10 ने काम नहीं करा तो क्या फर्क पड़ता है, 30 और 11वां देख ले, राइट? तो दोस्तों सबसे पहले आज इस सफलता के लिए मुझे यहां पे खड़ा होकर दो बात बोलने के मौका देने के लिए सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा अपने कंट्री मैनेजर का, थैंक यू सो मच सर। ऑफ कोर्स कंट्री मैनेजर साहब के पीछे एक मजबूत टीम है, जो हमारे सारे के सारा स्टाफ, चाहे वो बॉम्बे स्टाफ हो, दिल्ली स्टाफ हो, जो हमारे को बैकबोन है हमारी, हमारे को हर चीज को प्रोवाइड कराने में, फैसिलिटी देने में, वो हमेशा हमेशा मुंह पे स्माइल लेके तैयार रहते हैं, वो हमारे को कभी भी वो डिसहर्ट नहीं करते। एफएलपी स्टाफ कैसा है हमारा? रेक्स की पिक्चर दिखाई देती है उनमें, हमारे एफएलपी स्टाफ में भी रेक्स और मिस्टर अमरजीत उबी की पिक्चर दिखाई देती है, क्योंकि कभी भी याद रखना अच्छाई या बुराई ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती, तो ये ऊपर से नीचे आता है, राइट? तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं उन लोगों के लिए, ऑफ कोर्स सभी ट्रेनर्स के लिए, इसके साथ साथ उन सब लोगों के लिए जिन लोगों ने जाने अनजाने मेरे ग्रुप से या मेरे इस अचीवमेंट के लिए या मेरे साथ मिलके काम किया, मेरी टीम के ईच एंड एवरी व्यक्ति के लिए, मेरे सारे लीडर्स के लिए, एज वेल एज यस उस हर व्यक्ति के लिए जो इस एफएलपी में काम कर रहा है, उसने भी जाने अनजाने मेरे किसी आदमी को मोटिवेट जरूर करा होगा किसी न किसी दिन, थैंक यू सो मच। और ऑफ कोर्स एक व्यक्ति के बगैर तो ये कंपनी नहीं थी, हम सब लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे मिस्टर रेक्स का, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज दूं, तैयार हैं? एक ही बात है, बहुत आसान है ये बिजनेस, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल उन लोगों के लिए है जो बदलना नहीं चाहते, और आसान उन लोगों के लिए जो बदलना। आर यू रेडी टू चेंज? आर यू रेडी टू चेंज? आपको सिस्टम के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम आपके लिए नहीं बदलेगा। कभी आप सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सिस्टम आपके लिए नहीं बदलेगा, एकदम प्रूवन सिस्टम है, आपको सिस्टम के अकॉर्डिंगली बदलना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो सफलता आपके लिए है, अगर आप तैयार नहीं है तो यह सिस्टम आपको डिटॉक्सिफाई कर देगा और बाहर का रास्ता दिखा देगा। समय बहुत कम है, पूरा दम लगा दो तुम। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को जगा दो तुम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।